तो हम लोग आ चुके हैं बोर्ड पर और डेविजन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग ध्यान से समझने वाले हैं। ध्यान से रहिए, लाइन पर रहिए और बने रहिए। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी बने रहिए, और अगर आप सेमेस्टर में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, बीएससी कर रहे हैं तो भी आप बने रहिए, और अगर आप टीचर हैं तो भी बने रहिए, सीखना है यार। ठीक है, तो सबसे पहले डी ब्रॉय, डी ब्रॉय इन्होंने बताया था कि प्रत्येक मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होती है, वेव कंसीडर होती है, और इसी वेव को मैटर वेव बोलते हैं, और इस वेव का जो वेवलेंथ होता है कितना होता है, एच बाई एम इंटू वी। और इन्होंने बताया कि जो हाईली ऑब्जेक्ट है, जो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे हम हैं, आप हैं, बोर्ड है, मार्कर है, मोबाइल है, एवरीथिंग जो हम और आप देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और इसकी वजह से उसकी वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है जो कि हम लोग नहीं डिटेक्ट कर सकते। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, फॉर इलेक्ट्रॉन लेमड़ा इक्वल टू आया था कितना, 12.27 बाय रूट अंडर वी। वी मतलब यहाँ क्या था, वेलोसिटी, वी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वी मतलब था पोटेंशियल। क्या था, पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रॉन को अगर वी पोटेंशियल के अंदर मूव करावें, एक्सलरेट करावें तो कितना होगा। बिल्कुल यही काम किया डेविजन और जर्मर, दो जर्मन साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट तैयार करी, और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट किया, और बस यही हमको आज जानना है कि भाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कैसे किया, और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट जब हो गए तो ये इंटरफेरेंस कैसे शो करने लगे, जो कि इंटरफेरेंस कौन शो करता है, एक वेव शो करता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, साउंड वेव में भी पढ़े थे, और लाइट में भी मैंने पढ़ा ऑप्टिक्स में कि इंटरफेरेंस किस कारण होती है, लाइट के वेव प्रॉपर्टी के कारण होती है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, आज का लेक्चर बहुत तगड़ा होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है, बने रहिए, लगे रहिए। तो ये रहा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ता है भाई, क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, इसको डी ब्रॉय पढ़ते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के वजह से के अनुसार एवरी मूविंग पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ वेव कॉल्ड मैटर वेव। प्रत्येक मूविंग पार्टिकल एक वेव एसोसिएटेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर वेव। दिस हाइपोथेसिस मतलब इसी हाइपोथेसिस को इज प्रूव्ड बाय डेविजन एंड जर्मर इन 1927 में इसको प्रूव किया गया, डेविजन और जर्मर दोनों ने मिल करके। ठीक है, अब देखिए, ये डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस दिया था कितना में, 1924 में, उसके जस्ट 3 साल बाद, कितना साल, 3 साल बाद उन्होंने क्या किया, ये परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, और उसी से ये प्रूव किया। तो हम लोग आज इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले, तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं, क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो कंस्ट्रक्शन तैयार है, जिसको आप बोल सकते हैं ये सेटअप है हमारे डेविजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट का। इस पार्ट बाय पार्ट समझते हैं भाई इसमें है आखिर क्या। तो सबसे पहला सेटअप हम जो कहेंगे वो ये है, और ये क्या है इसको पहले समझो के ध्यान से। इलेक्ट्रॉन गन की जरूरत पड़ती है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलती है वो जानना पड़ेगा, और उसी के लिए यहाँ पर लगाया गया ये क्वाइल टाइप में संरचना, जिसको हम लोग देख पाते कहाँ पर, जो 10 रुपये का बल्ब जो आता था पहले हिंदुस्तान बजाज वाला, उसके अंदर में देखते थे रहता था, क्या रहता था, वो टंगस्टन रहता था, क्या रहता था, टंगस्टन। तो ये भी क्या है, ये भी टंगस्टन है, और इस पर कोटेड होता है, इस पर कोटेड होता है बेरियम ऑक्साइड का। किसका कोटेड होता है, बेरियम ऑक्साइड का। और बेरियम ऑक्साइड करता क्या है कि जैसे ही बेरियम ऑक्साइड उसमें जाता है ना, तो ये लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इसका, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा होता है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन झट से निकल जाएगा, कम भी हीट दें तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बेरियम ऑक्साइड का काम। ठीक है, तो वही यहाँ पर इसमें क्या होता है, बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग किया हुआ होता है, क्या, बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग किया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आएगी। हमने लिख करके
बहुत अच्छे तरीके से हम आपको दे देंगे, क्या देंगे क्या देंगे, हाँ लिख करके आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स दे देंगे इसका, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नोट्स हो सकेगी 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाए तो टेंशन मत लेना, बट हो जाएगा। तो बेरियम ऑक्साइड का इस पर कोटिंग किया हुआ रहता है, बी ए टू होगा, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, कोटिंग किया रहता है। और ये क्या है सर, ये है लो टेंशन बैटरी। ये क्या है, लो टेंशन बैटरी, मतलब इतने समझ सकते हैं, लो टर्मिनल बैटरी, मतलब इसका बहुत वोल्टेज कम है, इसे 6 वोल्ट 7 वोल्ट इस टाइप से, ठीक है, जो कि बहुत कम है इन कंपेयर टू ये वाला बैटरी कंपेयर में, ठीक है। ये तो दादा है, ये क्या है, दादा है। तो ये जो है सो यहाँ तक समझ में आ गया आपको ये वाला सेटअप। अब इसके जस्ट सामने एक सिलेंडर रखा जाता है, इसके जस्ट सामने क्या रखा जाता है, सिलेंडर रखा जाता है, और उस सिलेंडर को हाई वोल्टेज से जोड़ा जाता है, इसीलिए इसको देखिए जोड़ा गया किससे, हाई वोल्टेज, ठीक है। तो हाई वोल्टेज को यहाँ पर कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है यूजर की तरफ कितना वोल्टेज दे रहे कितना नहीं दे रहे, और थोड़ा देर बाद हम बताएंगे कि कितना वोल्टेज पे असली में सच्चा काम करता है और कितना वोल्टेज पे थोड़ा कम काम करता है, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड था, ठीक है, ये वोल्टेज हाई वोल्टेज से सिलेंडर के अंदर क्या होगा बताएंगे। इसके जस्ट सामने यहाँ पर क्या होता है, निकल का क्रिस्टल होता है, क्या होता है, निकल क्रिस्टल होता है, उसको इस तरह रखा जाता है ताकि इधर से कुछ आवे और टकरा के नीचे जाए। और इसमें भी एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप का क्रिस्टल को यूज़ किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा परफेक्ट क्रिस्टल जो आया वो कौन था, निकल का क्रिस्टल था, समझ में आई बात। हाँ, इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ये इस तरह से लगाया जाता है एक सर्कुलर स्केल, क्या लगाया जाता है, एक सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये किस काम के लिए होता है बताएंगे, ये एंगल मेजरमेंट करता है, कितना एंगल पर जो है सो डिफ्लेक्शन हुआ है, नहीं वो हम बताएंगे वर्किंग में, ठीक है। अभी बस बता रहे कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसकी इसकी क्या क्या नाम है, ठीक है। ये सिलेंडर है विथ फाइन होल, सिलेंडर विथ फाइन होल, फाइन होल मतलब बहुत कम होल में, बहुत ये छिद्र एकदम, ठीक है, छिद्र एकदम, ठीक है। ये ऐसा है, ये सर्कुलर स्केल है, इसके जस्ट सामने डिटेक्टर लगा गया, डिटेक्टर जो मूवेबल है, क्या है, मूव कर सकती है, ये इधर 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 जा सकती है, इससे इधर इधर जा सकती है, उसको जिस तरह आप लोग लेना चाहे उस तरह ले सकते हैं, मूवेबल डिटेक्टर, डिटेक्टर होता है यार, डिटेक्टर, ठीक है, मोबाइल डिटेक्टर, बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी, किसी भी तरह की कोई तरह की परेशानी नहीं होगा, होगा तो कमेंट करना, ठीक है, हम दूसरी बार वीडियो बनाएंगे, लेकिन जरूर कमेंट करना, है ना। इसी से अटैच होता है गैल्वेनोमीटर, जो मेजर करने काम करती है करेंट का, और करेंट का मेजर कर रही मतलब उसका इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करेंट से, तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी मेजर हो ही जा रहा है, ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, बात समझ में आ गई, किसी तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इतना कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, नाम रहती है सबका, किससे अटैच है ये भी बता दिया मैंने। अब वर्किंग की तरफ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, वर्किंग की तरफ। हाँ तो मेरे भाई लोग वर्किंग को ध्यान से देखोगे, इसी में असली कहानी छुपा हुआ है। लो टेंशन बैटरी को यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, लो टेंशन बैटरी का इसमें हीट जा रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रही, निकल रही है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, बोलो, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगी, निकलेगी। यहाँ पर देखो हाई टेंशन बैटरी है, हाई टेंशन बैटरी लगाया गया है, ये मान लो करीब 6 वोल्ट का होगा तो इसका दादा होगा 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 30 वोल्ट का करीब मान लो, 30 वोल्ट से कभी मान लो 20 वोल्ट मान लो, समझ में आ गई। ये ज़्यादा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, इधर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज झट से इसके अंदर अट्रैक्ट हो जाएगा, झट से इसके अंदर अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव झट से अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर गया एक्सेलरेटर हुआ, और एक्सेलरेट हुआ, और एक्सेलरेट हुआ, और एक्सेलरेट हुआ, सीधा जा गया नीचे, सीधा यहाँ से भागा, और किससे टकराया, निकल क्रिस्टल से,
जैसे ये निकल क्रिस्टल से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया, किसी एक एंगल से डिफ्लेक्ट किया, मान लो वो फाई है, फाई एंगल से डिफ्लेक्ट किया और यहाँ आया। ठीक है, यहाँ आने के बाद ये एंगल मीटर हो गया कि ये कितना एंगल था इस स्केल की वजह से। ठीक है, एंगल मीटर होने के बाद यहाँ पर जो डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्टर डिटेक्ट कर लिया इसको, और डिटेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर से करंट मीजर हो गया। अब ये चूंकि बाहरी टच ना हो जाए इसके लिए बाकी के चैम्बर को एक चैम्बर के अंदर जो है फिक्स करके रखा गया था, तो ये हम यहाँ पर नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे नोट्स में यार। ठीक है, अब बात आती है सर इसमें इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस कैसे किया, डिफ्रैक्शन कैसे किया और पोलराइजेशन कैसे किया, ये बता दो। तो इसी को बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान पर रहो और इसको नोट कर लो एक बार। तो अब है, नोट कर लिए होंगे आपने, अब है ये बारी बताने की भाई ये डिफ्लेक्शन जो किया वो एक्चुअल में इंटरफेरेंस क्यों है। ठीक है, तो देखो भाई एक्चुअल में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट सेटअप किया तो यहाँ का वोल्टेज बार बार चेंज कर रहा था, किसकी मदद से, रियोस्टेट की मदद से, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये, इसको बार बार चेंज कर रहा था, देख रहा था, सबसे पहले लगा 20 में नहीं हुआ डिफ्लेक्शन, 30 में थोड़ा थोड़ा हुआ, जिसके कारण से हम लोग उसको बहुत ज़्यादा बढ़िया से अंदाजा नहीं लगा पा रहे, 30 में 40 में नहीं, 44 वोल्ट के बाद जब भी हम लोग कहाँ पहुँच गए, 44 वोल्ट, 44 लिखने भी नहीं आता मेरे को क्या, 44 वोल्ट और 68 वोल्ट के बीच में जो डिफ्लेक्शन हुआ वो बहुत बढ़िया था, उसको डिटेक्टेबल था और उसके अनुसार से हम कैलकुलेशन भी कर सकते थे और आसानी से कह सकते थे ये पक्का इंटरफेरेंस हो रहा है। समझ में आ गई बात, हो गई बात, समझ में आ गई बात, कोई बात नहीं। 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच का एक लिया गया, सबसे बढ़िया इसमें कब आया, सबसे बढ़िया आया इसका 50 वोल्ट पे, सबसे बढ़िया कब आया, सॉरी 54 वोल्ट पे सबसे अच्छा आया। ठीक है, कितना आया, 54 वोल्ट पे सबसे बेहतर क्यों आया भी बताएंगे, और वो सबसे बेहतर क्यों था ये भी बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो भाई क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो करंट लेता है वो करंट जो है सो डिफ्लेक्शन, वो डिफ्लेक्शन जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो वो एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर को डिटेक्ट किया जा सकता है किसके हेल्प से, ये गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। ठीक है, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और धीरे 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 देखा गया इसको, इस 0 डिग्री से, 0 डिग्री तो नहीं कह सकते हैं ये, 30 डिग्री से, 40 डिग्री से, 45 डिग्री से, इस तरह से अलग अलग एंगल पर, इसका रिफ्लेक्शन को शो करके रीडिंग को नोट करते गए। तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन जिसमें पूरा का पूरा इंटेंसिटी नज़र आ रहा था इलेक्ट्रॉन का वो कौन सा था, वो था एंगल यहाँ पर, वो जो एंगल था वो कितना था, 50 डिग्री पर। 0 से लेकर के हर एक एंगल पर डिफ्लेक्शन को चेक करते गया और देखा कि 50 डिग्री पर जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन कहीं और नहीं नज़र आ रहा, हर जगह डिफ्लेक्शन नज़र आ रहा लेकिन जो 50 डिग्री में है वो वाली बात कहीं दूसरी जगह नहीं थी बच्चा। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर हम बना लें एक बार, ग्राफ बना लें तो अगर हम लोग इधर फाई को रखें, इधर वोल्टेज को रखें, इधर इंटेंसिटी को रखें, क्या रखें, इंटेंसिटी को, और हम लोग फिक्स कर दें कि 54 वोल्ट पर ही नहीं बना रहे हैं, तो इस तरह का ग्राफ आया, ये मान लो 30 डिग्री पर आया, ये मान लो 40 डिग्री पर आया, लेकिन ये जो एक्चुअल कितना डिग्री पर आया, 50, ये 60, ये 70, ये 80 डिग्री पर आया, मान लीजिए इस तरह से था। ठीक है, ग्राफ के अनुसार से बता रहे हैं। तो पीक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन को जो था, ठीक है, एक पार्टिकुलर एंगल पर आया, उस एंगल को मैंने फाई माना और फाई एक्चुअल में कितना था, 50 डिग्री था। और अब आपको पता होगा इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक जगह कहीं कम इंटेंसिटी, कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी, कहीं डार्क फ्रिंज तो कहीं ब्राइट फ्रिंज, जहाँ ब्राइट फ्रिंज होता है वहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, वहाँ होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये भी तो हुआ होगा कि यहाँ पर जो 50 डिग्री पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी देखने को मिला है ना।
सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ देखने को मिला? ये 50 डिग्री पर। इसका मतलब क्या पता यहाँ पर हुआ होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है, ये पता उनको चल चुका था। और इसके बाद ये भी पता चला कि अगर अगर हम कुछ ऐसा फिल्टर लगा दें जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकले, कितना इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या होगा? अगर हम यहाँ पर एक फिल्टर लगा दें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ कोलाइड करके, इधर इंटरफेरेंस करके रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा है, तब भी डिफ्लेक्शन नजर आया और वो हर जगह पर नजर आया कुछ न कुछ। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता तो वो सिर्फ एक ही जगह पे होता, लेकिन नहीं, ये हर जगह पर मौजूद था। ठीक है, उसको यहां देखें तो भी, यहां देखें तो भी, यहां देखें तो भी, यहां भी देखें तो भी। क्वांटम फिजिक्स एक्चुअल में यही है, आप जहां देखें वही चीजें दिखाई देती है, अब जब तक नहीं देखें तब तक वो चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब वो चीजें वहां है ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स यही कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को देख पा रहे हो, मैं बोर्ड को देख रहा हूँ, इसका मतलब बोर्ड यहाँ है, अगर जब तक हम नहीं देख रहे थे तब तक बोर्ड यहाँ नहीं था, वही हो रहा है। अगर आप क्या करो, यहाँ इलेक्ट्रॉन को देखो तो यहाँ नजर आएगा, यहाँ देखो तो यहाँ नजर आएगा, यहाँ देखो तो यहाँ नजर आएगा, हर एक जगह पर इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन हर जगह हो नहीं सकता क्योंकि एक पार्टिकल है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, ये पार्टिकल भी नहीं हो सकता, हर जगह हो भी नहीं सकता। तो हर जगह क्या हो सकती है? हर जगह हो सकती है एक वेव, और वही बात आया यहां कि इलेक्ट्रॉन वेव है, देयर इज एसोसिएटेड अ वेव, जरूर एक वेव है। तो यहां से उनको बातें समझ में आ चुकी थी कि ये वेव है। ठीक है, तो यहां तक तो एक्सपेरिमेंट था, वर्किंग था। अब हम लोग जो समझने वाले हैं कि एक्चुअल में जो डेफिनेशन निकाले थे यहां से ब्रैक्स लॉ ने, डेफिनेशन फॉर्मूला दिए थे इलेक्ट्रॉन के लिए भी, वही पोटेंशियल पर मैंने अगर डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो डेप्रॉय साहब ने फॉर्मूला दिए था 12.27 बाय रूट अंडर भी, वो एक्चुअल में कहाँ तक सही है उसके लिए अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ क्रिस्टल से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्रिस्टल से रिफ्लेक्शन के लिए कुछ न कुछ तो इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वहाँ भी होता होगा। ठीक है, उसके लिए हम इसको मिटाते हैं और आसानी से समझते हैं। अच्छा, यहीं पर देख लो, ये क्रिस्टल निकल क्रिस्टल के अंदर बता रहे हैं हर एक मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर जो कि अरेंज है, और मॉलिक्यूल्स के लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है मान लीजिए। ठीक है, लाइट जो है सो इधर से आई, इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से आया और यहाँ से टकराने के बाद ये इधर चला गया। लाइट जो है सो यहाँ पर आई और टकराने के बाद ये इधर, और सॉरी ये इधर चला गया। ठीक है, बात समझ आ रही, बात समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इधर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ पर इतना डिस्टेंस, यहाँ पर देखो इधर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो इतना डिस्टेंस, देखो जितना ये दोनों चली यहाँ तक साथ में चले। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों साथ में चले, इतना दूर तक पाथ डिफरेंस सेम था, इतना दूर तक पाथ डिफरेंस सेम था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पाथ डिफरेंस बढ़ गया, पाथ डिफरेंस चेंज हो गया। अगर पाथ डिफरेंस चेंज होता है तो फेज डिफरेंस चेंज होता है, और फेज डिफरेंस चेंज होता है तो इंटरफेरेंस होता है, इसीलिए इंटरफेरेंस हुआ। और निकेल क्रिस्टल से रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जो जो ब्रैक्स साहब आए, ब्रैक्स लॉ, और ब्रैक्स लॉ ने बताया कि अगर यहाँ पर 2D साइन थीटा नो, या आई थिंक सो 2D साइन थीटा, यस, अगर ये एंगल थीटा है, कौन सा एंगल बताएंगे, 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा हो रहा है, अगर फर्स्ट मैक्सिमा देखें तो। ठीक है, एन लेमडा मैक्सिमा के लिए, ठीक है, 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा मैक्सिमा के लिए पढ़े थे ना अपने इंटेंसिटी में, तो वही 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा होता है, ब्रैक्स लॉ ने बताया। 2 तो एक नंबर है, डी मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, एटॉमिक लेयर का डिस्टेंस, जो ये थीटा जो है, थीटा क्या है, ये इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन का वो, और ये एटॉमिक लेयर के बीच का एंगल थीटा है।
ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बीच कितना है, फाई है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बीच कितना है, फाई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ नॉर्मल बना दें तो ये फाई बाई टू हो जाएगा कि नहीं, फाई बाई टू हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ थीटा प्लस फाई बाई टू इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए और यही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप नोट कर लें इसको अगर नोट करना चाहें कुछ तो, ठीक है। बाकी हम तो नोट्स आपको देने ही वाले हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। डाइजन एंजल भर एक्सपेरिमेंट हो गया, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिल दार सजना। चलो प्यार वाला जिंदगी से बाहर आ जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ रहे आ रहे आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने बोला थीटा प्लस इतना बराबर इतना होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ब्रेक साहब ने जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया, उन्होंने क्या दिया, 2d sin थीटा बराबर n लेमडा। और यहाँ से हम लोग लेमडा निकालेंगे फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। अगर हम लोग फर्स्ट मैक्सिमा के लिए देखें, किसके लिए देखें भाई, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा ये कितना हो जाएगा, 2d sin, और थीटा की जगह पे आई कैन राइट देर, थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस पाई बाई टू। यहाँ से देखो थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 90, ये वाला उधर जाएगा तो -π/2, 90 माइनस पाई बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1 into λ। 2d का वैल्यू देखिए, d का वैल्यू एक निकल था ना, क्रिस्टल, कौन सा क्रिस्टल था, निकल, तो निकल के लिए d का वैल्यू होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है d का वैल्यू, 0.91। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 निकल डी इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये 0.91 है क्या, एक्चुअल में क्या है, निकल एक क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में पता होगा एटॉमिक लेयर होता है, मॉलिक्यूल से एक लाइन में सजा हुआ होता है, तो वो लाइन में सजा होता है पहला लाइन और दूसरा लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को डी बोलते हैं, समझ वाली बात, या तो ये हो गया उतना, ठीक है। और हमने फाई इक्वल टू कितना रखा है यहाँ पर, 50 डिग्री रखें तब अच्छा आया रिजल्ट, ठीक है। और वी इक्वल टू कितना वोल्ट रखें, 54 वोल्ट, तब जाकर के सुटेबल और बढ़िया रिजल्ट आया है। तो यहाँ से देखो अगर हम लोग अप्लाई करें, 2 into d के जगह 0.91 रखेंगे, इंटू साइन 90 माइनस फाइव के जगह पे कितना, 50 बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा, 2 into 0.91 into कितना है यहाँ पर, साइन 90 माइनस 25 इक्वल टू लेमडा। इसका मतलब लेमडा इक्वल टू आया 2 into 0.91 into sin, जो कि कितना आ जाएगा, 25 5 5 5 5 85 20, कितना 65 डिग्री। और ये टोटल निकाला गया तो आया कितना, 1.6 कितना आ गया, ये अप्रोक्स आ गया 1.65 एंगस्ट्रॉम, किसके लिए, फोर अ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए कहानी चल रही थी। अब आप जरा सा शांत दिमाग से सोचो, इलेक्ट्रॉन के लिए कहानी चल रही थी और इतना आया। लेकिन डेब्रॉय साहब ने जो निकाला था, अकॉर्डिंग टू डेब्रॉय, कोई बात नहीं भाई, मजाक के लिए बोला, डेब्रॉय ही पढ़ा रहा था इसको, उन्होंने लैम्डा इक्वल टू कितना निकाला था, 12.27 बाय रूट अंडर वी, वी मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वी मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, 12.27 बाय वी के जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, 54 वोल्ट, तो 54, और ये कैलकुलेट करने के बाद आया 1.67 एंगस्ट्रॉम, जो कि बिल्कुल बिल्कुल क्लोज है आपस में इन दोनों का। मतलब डेविजन और जर्मर ने जो भी डेटा कलेक्ट किया उसके अनुसार से ब्रेक्स लॉ अप्लाई करके जो लेमडा का वैल्यू आया कि इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन में जो वेव एसोसिएट होती है उस वेव का जो वेवलेंथ आया वो वेवलेंथ जस्ट इक्वल था जो डेब्रॉय साहब का वेवलेंथ आया, और ये दोनों बिल्कुल इक्वल था, बिल्कुल इक्वल नहीं, थोड़ा सा अंतर था तो उतना तो चलता ही गया, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया, ये गारंटी प्रूफ हो गया कि जो कुछ भी नियम है, कि जो कुछ भी रूल्स है
ठीक है। और वो रूल्स, वो हाइपोथेसिस जो डेब्रॉय साहब ने दिए हैं, डेब्रोगली ने दिए हैं, वो बिल्कुल सही है, यही पता चला, ठीक है, बिल्कुल सही है। और उसी समय से क्वांटम फिजिक्स एक नए दौर की चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स भी एक वेव नेचर का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर जो फोटोन, सॉरी लाइट के अंदर एक फोटोन होती है, वो फोटोन भी वेव नेचर का होता है, यही पता चला। और इसके बाद यहाँ से जिंदगी बदल गई सबकी, ठीक है। यहाँ पर लाइट का ड्यूअल नेचर आने लगा, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, वो तो आ ही था, और पार्टिकल जो भी आया वो एक्चुअल वेव होने लगा, मतलब एवरीथिंग, दुनिया का सब वस्तु अगर मूव कर रही है तो उसमें वेव एसोसिएटेड है, और वही यहाँ पर प्रूफ हुआ। सो धन्यवाद, आज का लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, गला सूख रहा है, पानी पियेंगे, है कि नहीं। तो कल एग्ज़ाम जब भी होगा भाई, एग्ज़ाम में कुछ जनादार एकदम शानदार लिख देना है, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आना है, ठीक है। वर्किंग में नोट्स बना करके दे दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो यार, थोड़ी सी तो उनको मोटिवेट करो आप लोग कमेंट करके, कमेंट कर लेना, ठीक है। तो मेरे चैनल को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत